मौत का सिलसिला जारी है। अब तक मरने वाले बच्चों का आंकड़ा 142 पहुंच गया है। बिहार सरकार के लाख दावों के बावजूद बच्चों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इंसेफ्लाइटिस से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला मुजफ्फरपुर है, जहां पर अब तक 112 मासूम बच्चे मौत की नींद सो चुके हैं। इसके अलावा समस्तीपुर, मोतिहारी, पटना, शिवहर और भोजपुर में भी इंसेफ्लाइटिस मासूम बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। छह तस्वीरें आपके सामने हैं। अस्पताल में भीड़ काफी ज्यादा है, डॉक्टरों की कमी है, संसाधनों की कमी है, मरीजों की लंबी लंबी लाइनें हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे जमीन पर लेटे हुए हैं, उनके इलाज के लिए बेड तक नहीं है। और आज परेशानी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि बार बार बिजली जा रही है, जिससे लोग बेहाल हैं, स्टाफ की कमी है। और सवाल ये खड़ा होता है कि मुजफ्फरपुर में क्यों मौत का सिलसिला रुक नहीं रहा है, और अगर पूरे बिहार की बात करें तो अब तक मौत का आंकड़ा 142 पहुँच चुका है। बिहार के मुजफ्फरपुर में श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज में आ रहे लगातार मरीजों को देखते हुए अब कैदी वार्ड को भी खाली करवाया जा रहा है। अस्पताल में मरीजों के लिए बिस्तर कम पड़े हैं, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। मरने वाले मासूमों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि अब SKMCH के कैदी वार्ड को भी खाली कराया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर कैदी रहते हैं और इसको अब ICU में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। नया AC लगाया गया है और जो लोग भी यहाँ पर पहले से रह रहे थे कैदी, उनको यहाँ से खाली करा कर कहीं और शिफ्ट कराया जाएगा। साफ तौर पर यह निर्देश दिया गया है कि जितनी जल्दी हो सके इस वार्ड को खाली करा कर और इसको ICU में तब्दील कर दिया जाए, ताकि अगर संख्या और बढ़ती है तो उन मासूमों का इलाज यहां पर हो सके। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो जेल के कर्मी हैं वो यहां पर पहुंचे हैं, जो कैदी हैं उनको खाली यहां से कराया जा रहा है। ऐसे में स्थिति समझा जा सकता है कि क्या होगा, क्योंकि लगातार मासूमों की संख्या बढ़ती जा रही है और मरने वाले मासूमों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में SKMCH के जो अस्पताल प्रशासन हैं उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जितना जल्दी हो सके इस वार्ड को खाली कराया जाए। तो एक तरफ AC इंस्टॉल नया किया गया है, अब यहाँ पर मशीन भी लगाए जाएंगे, लेकिन इतनी जल्दी जो व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है, अगर पहले कदम उठाया गया रहता तो शायद यह नौबत नहीं आती और ना ही इस वार्ड को खाली कराया जाता। ऐसे में सवाल सीधे तौर पर यह उठता है कि सरकार की ओर से पहले कदम क्यों नहीं उठाया गया, राज्य सरकार की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से पहले प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया गया, ताकि जिस तरह से बच्चों का तबीयत लगातार खराब हो रहा है और मरने वालों की तादाद जो बढ़ती जा रही है, ऐसे में अगर पहले सजग अगर सरकार रहती तो शायद यह नौबत नहीं आती, जिसमें तकरीबन 200 बीमार बच्चों के अभी संख्या पहुंच गई है और वहीं मरने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब इसको ICU में तब्दील करने की तैयारी चल रही है। कैमरामैन संजीव के साथ चंद्रमोहन कुमार, मुजफ्फरपुर, News 18 India। पीएम मोदी ने आज एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर सभी दलों की बैठक बुलाई है, जिसमें एक देश एक चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। मायावती, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और चंद्रबाबू नायडू ने बैठक में शामिल होने से साफ इनकार किया है, जबकि कांग्रेस के भी बैठक में शामिल न होने की खबर है। आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल बैठक में शामिल नहीं होंगे और दूसरे प्रतिनिधि के भेजने की इजाजत न मिलने पर अब पार्टी सिर्फ पत्र से ही अपनी राय रखेगी। बैठक में NCP अध्यक्ष शरद पवार ने शामिल होने का ऐलान किया है। बैठक में गांधी जी की 150वीं जयंती और स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। BSP अध्यक्ष मायावती ने भी PM की बुलाई बैठक में शामिल न होने की बात कही है। मायावती ने एक बार फिर EVM को लेकर सवाल खड़े करते हुए ट्वीट किया है। मायावती ने लिखा, EVM के प्रति जनता का विश्वास चिंताजनक स्तर तक घट गया है। ऐसे में इस घातक समस्या पर विचार करने हेतु अगर आज की बैठक बुलाई गई होती तो मैं अवश्य ही उसमें शामिल होती। किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनाव कभी कोई समस्या नहीं हो सकते हैं और न ही चुनाव को कभी धन के व्यय अपव्यय से तोलना उचित है। देश में एक देश एक चुनाव की बात वास्तव में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती हिंसा जैसी ज्वलंत राष्ट्रीय समस्याओं से ध्यान बांटने का प्रयास और छलावा मात्र है। पॉलिटिकल पार्टीज वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन की बहुत देश को ज़रूरत है। हमारे देश में हर महीने कहीं ना कहीं चुनाव होता है। अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, अभी 4-5 चुनाव होने वाले हैं विधानसभाओं के। तो अगर ये एक
संपर्क के माध्यम से, सुझाव के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, राष्ट्रीय चर्चा के बहस के माध्यम से इस मुद्दे पर कहीं पर कोई सहमति बने तो ये देश के हित में होगा। ये सिर्फ ध्यान भटकाने का एक तरीका है। आज इस चुनाव, जो वर्तमान के लोकसभा चुनाव हुए हैं, इसमें वन नेशन वन इलेक्शन का तो मुद्दा था नहीं। मुद्दा था ईवीएम का, मुद्दा था क्रिमिनलिटी का, मुद्दा था कि कितने पैसे बरामद हुए, कितने विभिन्न दल ने किस प्रकार से दुरुपयोग किया, चाहे अल्कोहल हो, चाहे कैश हो, चाहे गिफ्ट्स हो। तो मुझे लगता है जब इस चुनाव में कि जो हमारा ये जो अनुभव है उसको लेके अगर वो बातचीत करें, अगर हमसे भी सुने कि हम जब निर्वाचन के इस पूरे प्रक्रिया में सुधार चाहते हैं तो विपक्ष पार्टी से भी तो सुने कि हम एजेंडा में क्या चाहते हैं। एजेंडा भी वही सेट करेंगे, वही सब बनाएंगे तो हमको क्यों बुलाया है। देखिए, ये देश में पहले यही व्यवस्था थी, वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण ये जो होते गया और ये 72 का चुनाव 71 हुआ उस समय, और फिर कई घट 67 में, तो अब ऐसा महसूस लोग कर रहे हैं कि विकास के लिए बाधक है। सालों भर कोई न कोई, कभी त्रिस्तरीय पंचायत का, कभी असेंबली का, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन। तो एजेंडा बाहर तो ऐसा है कि वन नेशन वन ये जो इलेक्शंस है इसके बारे में होगी, तो देखना पड़ेगा ये इलेक्शंस के जो एजेंडा मीटिंग होती है उसके बाद हम कमेंट करेंगे। आइडिया को लेकर पार्टी से जो आइडिया है उसके ऊपर पहले भी हमने बोला था कि ये काफ़ी मुश्किल आइडिया है, इसके अगर आगे बढ़ाना है तो सारे पार्टियों जो भी हैं सबको एक साथ मिलकर बैठना चाहिए। तो एक कोशिश तो ज़रूर हो रही है आज शाम को, तो एजेंडा किस तरह से आगे बढ़ता है उसके हिसाब से हम कमेंट करेंगे। I've come here to attend the all-party meeting called by the Prime Minister today. I will place my points of view there. पश्चिम दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा न्यूज 18 से खास बातचीत में दावा किया कि शहर के कई हिस्सों में सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिदें और कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं। दिल्ली के राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर उन्होंने सभी अवैध मस्जिदों और कब्रिस्तान पर कार्रवाई करने की अपील की है। बीजेपी सांसद वर्मा का दावा है कि उनके पास करीब 20 ऐसी संपत्तियों की जानकारी है जहां अवैध तरीके से निर्माण करवाया जा रहा है। वहीं जब उनसे अवैध मंदिरों पर सवाल पूछा गया, उन्होंने जानकारी होने से इनकार कर दिया। दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा जी हमारे साथ, और उन्होंने चिट्ठी लिखी है एलजी को कि सरकारी संपत्ति है उस पर अवैध तरीके से धार्मिक स्थलों का, धार्मिक इमारतों का निर्माण हो रहा है। सर, क्या डिटेल है, क्या आधार, किस आधार पर? देखिए, मेरे क्षेत्र में बहुत सारी जगह ऐसी हैं, और मैं अभी एलजी साहब को मिलकर वो पूरी सूची दूंगा कि जहाँ पर दिल्ली सरकार की ज़मीन है या दिल्ली सरकार के जो विधायक हैं उनके प्रोटेक्शन से जो मस्जिद पहले बनी हुई हैं उनके ऊपर दो दो मंजिल और बनाई जा रही है, और वहाँ पे नई मस्जिद बन रही है, वहाँ पर कब्रिस्तान बन रहा है, जो लोगों के पार्क की ज़मीन है वहाँ पर बनाए जा रहे हैं, जो लोगों के चलने की ज़मीन है, जो लोगों की गाड़ी निकलने की ज़मीन है वहाँ पर बनाए जा रहे हैं, तो ये सारी ज़मीन और जितनी भी बनी हुई हैं पिछले 20 सालों में वो सबकी सूची मैं दिल्ली के उपराज्यपाल साहब को भी दूंगा और इस जो कमेटी गठित होगी उसको भी दूंगा। कितनी ऐसी इमारतें हैं, अवैध इमारतें? मेरे क्षेत्र में तो 20 से ज़्यादा हैं, और दिल्ली में मैं समझता हूँ 100 से ज़्यादा होनी चाहिए। सिर्फ मस्जिद ही है इस सूची में या मंदिरों का भी जिक्र है इसमें? देखिए, अब अगर मैं मेरे क्षेत्र की बात करूँ तो जितने मंदिर हैं, जितने गुरुद्वारे हैं, वो सभी सबको DDA से ज़मीन अलॉट हुई है, उन्होंने पैसा जमा कराया, उसके बाद उन्होंने अपना वहाँ पर स्मारक बनाया। मगर जितने मस्जिद हैं ये सब अपना कब्जा करके बना रहे हैं, ये सारी वोट बैंक की राजनीति है, तो ये इस दिल्ली में ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन सर, विपक्ष ये कह रहा है कि एक बार फिर इस इशू को प्रोपेगेंडा बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं। अगर कमेटी की रिपोर्ट में ये आएगा कि हाँ भाई इतने हैं सरकारी ज़मीन पर, तो इसमें क्या वो है, हम क्या गलत बोल रहे हैं? जो सरकारी ज़मीन पर है सरकार उसको अपने कब्जे में लेना चाहिए ज़मीन को, इसमें क्या गलत है?